आ गए हमारे पास आईफोन एक्स, जिसका जो हम डिस्प्ले का रिंग होता है उसे नया लगाएंगे। इसका जो पहले रिंग लगा हुआ है, देख सकते हैं इसके जो लॉक वगैरह है वो टूटे हुए हैं, किसी ने इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश की और साइडों के इसके जो रिंग है वो टूट गए हैं, इसलिए इसका जो फ्रेम है हमें चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करने के लिए कौन कौन सा केमिकल और क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसकी जो ऊपर की जाली है उसे थोड़ा कट करना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी स्पीकर की जाली रहती है वो फ्रेम के साथ ही जुड़ी होती है। इसे काट कर इसे उठाने से जो हमारा जो पेपर होता है उसी का इसमें आराम से चला जाता है, नहीं तो वो यहीं पे फंसता रहता है। अब हमने जो रिंग है उसे थोड़ा सा ऊपर से काटना है, काटने से जो रिंग है आसानी से थोड़ा लूज पड़ जाता है, वो निकल जाता है आसानी से। देख सकते हैं हमने तो ध्यान रखकर पूरे इसे काटना है कि हमारा जो ब्लेड है वो नीचे ग्लास पे टच नहीं होना चाहिए, वरना हमें ग्लास को भी चेंज करना पड़ जाएगा। इसका जो ग्लास है वो एकदम सही है, सिर्फ रिंग के लॉक वगैरह टूटे हुए हैं इसलिए इसे चेंज करना पड़ रहा है। अब हमने जो प्लास्टिक का ब्लेड है वो इसमें रिंग के नीचे फंसाना है। जो हमारा सेपरेटर है वो अभी 85 डिग्री पर हीट है, जिसके कारण जो रिंग का ग्लू है वो थोड़ा सा हॉट पड़ जाता है। अब इसमें हमने जो रीलाइफ का केमिकल है वो डालना है, ये केमिकल रीलाइफ का 518 मॉडल आता है, इसे हम डालेंगे। इससे डिस्प्ले में कोई डैमेज वगैरह नहीं आती। अब उसी के पेपर की सहायता से हम इसका जो ग्लू कट करेंगे, इसे हमने आगे पीछे करना है, और जो हमारा पेपर है बड़ी आसानी से चलना चाहिए, ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगना चाहिए। अगर इसे ज़्यादा जोर लग रहा है तो हमें थोड़ा सा और केमिकल इस पर डाल देंगे, जिससे जो इसका जो ग्लू है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और जो रिंगे आसानी से अलग हो जाएगी। अगर हमने ज़्यादा जोर से प्रेस किया तो हमारा जो डिस्प्ले वो डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि ये पेपर एलईडी होती है, अगर ज़्यादा जोर से दबाया तो जहाँ पे ब्लैक डॉट वगैरह बन जाता है। इसी तरह हमने दूसरी साइड से जो इसका रिंग है उसे रिमूव करना है। जो नीचे से सबसे कठिन काम इसका नीचे से जो रिंग है उसे रिमूव करना है। वहाँ से रिमूव करते टाइम कई बार जो लाइन वगैरह बन जाती है, लेकिन ये जो हम केमिकल यूज़ करते हैं इससे कोई भी डिस्प्ले में डैमेज आने के चांस नहीं रहते। ये जितना भी हम डालें इसमें डिस्प्ले में कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होता। अच्छे से हमने धीरे धीरे जो रिंग को काटना है, फिर हम नीचे से इसका जो फ्रेम है उसे अलग करेंगे। इसे ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, अगर हमने थोड़ा सा भी लापरवाही की तो हमारी जो डिस्प्ले वो डैमेज हो जाएगा। पेपर एलईडी है बहुत तो ही आसानी से डैमेज हो जाती है। देख सकते हैं हमने नीचे किनारे तक पेपर को लेके जाना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है, वरना हमारी जो डिस्प्ले वो डैमेज हो जाएगी। अब इसका जो रिंग है तीनों साइडों से फ्री हो चुका है, इसे अब हमने नीचे की साइड से रिमूव करना है। इसके लिए डिस्प्ले को थोड़ा हम अपनी साइड घुमाएंगे, और जो जो केमिकल है इसे हमने ग्लू पर डालना है इंजेक्शन की मदद से। इससे जो इसका जो ग्लू है वो नरम पड़ जाएगा और जो पत्ता है उसमें कोई खराबी वगैरह नहीं आती। कई केमिकल और भी आते हैं पर उनसे जो टच वगैरह रुकने की दिक्कत रहती है, जहाँ पे डिस्प्ले में लाइन बनने के। इसे हम डालेंगे जहाँ पे हमारा ये बहुत ही हार्ड ग्लू होता है, ये इसे रिमूव करना बहुत ही कठिन रहता है। अगर जहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो हमारी जो डिस्प्ले में लाइन वगैरह बन जाएगी। उसी पेपर की शीट को हमने आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ आगे नीचे की तरफ दबाना है। नीचे की तरफ दबाकर हमने इसे सारे ग्लू को कट करना है। देख सकते हैं हमारा जो ग्लू कट हो रहा है, एक साइड से कट हो चुका है, और देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले की रिंग कितनी आसानी से निकल चुकी है। यहाँ पे हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, अगर हमने ऊपर से थोड़ा ऊपर की तरफ से दबाएंगे तो हमारी डिस्प्ले लाइन बनने के चांस रहते हैं, इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ ही पेपर को चलाना है। देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले एकदम ओके है। अब इस पे हम जो नया फ्रेम है वो लगाएंगे, जिससे हमारी डिस्प्ले सेट में प्रॉपर बैठेगी। जो पहले लॉक वगैरह टूटे थे उसके कारण जो डिस्प्ले थी वो सेट में बैठ नहीं रही थी, साइडों से उठ रही थी। देख सकते हैं अच्छे से हमारा डिस्प्ले वर्क कर रहा है। इस तरह हम कोई भी आईफोन की रिंग रिमूव कर सकते हैं आसानी से।